दोस्तों, आपका स्वागत है श्री ओम चैनल में। दोस्तों, आज हम सपने की श्रृंखला में बात करेंगे एक ऐसे पेड़ की जो कि वैसे तो धार्मिक रूप से अच्छा माना जाता है, शिव जी को बहुत पसंद है और हम उन पर उसकी फूल को अर्पित भी करते हैं। लेकिन यदि दोस्तों सपने में आक, मदार या अकौआ भी कहते हैं इस प्लांट को, इस पेड़ को, पौधे को अकौआ, आक या मदार इन नामों से जाना जाता है। यदि इसे सपने में देखते हैं तो क्या संकेत हो सकता है? दोस्तों, सपनों की रहस्यमय दुनिया बहुत अलग है और हमें नहीं पता होता है कि हमें कब किस तरह से सपना दिख जाए। लेकिन हमें जो सपना दिखता है और याद रह जाता है, हमें उसे जानने की कोशिश करनी चाहिए। वह हमारे लिए कुछ ना कुछ संकेत जरूर लेकर आता है जब हम गहरी नींद में सोते हैं, और रात के समय जब हमें जो सपना आता है वह कुछ तो संकेत हमें बताना चाहता है। तो यदि हम जान जाएंगे तो हम उस परिस्थिति का सामना करने के लिए पहले से तैयार रहेंगे और अलर्ट रहेंगे उस सिचुएशन को लेकर। तो इसी श्रृंखला में मदार या अकौआ या आक जो भी प्लांट है, इसको यदि देखते हैं तो ये क्या संकेत हमें देता है विभिन्न अवस्थाओं में इसके फ्लावर या इसके फूलों को, इसके पौधे को, या इसको अनेक अवस्थाओं में देखने का हमें क्या संकेत मिल सकता है? प्लीज़ दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। आपका सहयोग अमूल्य और महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, मदार या आक का पौधा वैसे तो अच्छा है, हम शिव जी को इसे अर्पित भी करते हैं, लेकिन यदि यह सपने में दिखता है तो यह शुभ नहीं माना गया है। इसके संकेत हमें अशुभ सपने, स्वप्न शास्त्र के अनुसार अशुभ सपना बताया गया है इसे देखने का। कुछ अवस्थाएं हैं जिसमें हम इसे शुभ जान सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आक या मदार का पौधा या पेड़ देखा है आपने सपने में, तो यह सपना संकेत देता है कि आने वाले समय में आपको शारीरिक कष्ट का सामना करना पड़ सकता है, या तो आपको या आपके परिचितों को, परिजनों को। जरूरी नहीं है कि सपना आपने देखा है तो ये आप पर ही लागू हो, आपको, आपके परिजनों, किसी भी रूप में आपको ये खबर भी सुनने को मिल सकती है कि शारीरिक कष्ट है या कोई दुर्घटना है या किसी भी तरह की परेशानी का सामना जो कि शारीरिक समस्या से जुड़ा हुआ है। तो ये आपके ऊपर भी हो सकता है, आपके आसपास परिचितों या परिजनों पर भी हो सकता है ये संकेत। तो यह अच्छा सपना नहीं है आक या मदार के पेड़ या पौधे को सपने में देखना, यह किसी शारीरिक कष्ट की ओर संकेत करता है। तो दोस्तों, इस तरह का सपना यदि देखा है तो इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपनी लाइफ में और संकेत संभल कर, अलर्ट होकर आगे बढ़ने और कार्य करने की आवश्यकता है। वहीं यदि दोस्तों आप देखते हैं मदार या आक के फूल को सपने में, तो यह भी अच्छा संकेत नहीं है। यह बताता है कि आने वाले जीवन में आपको आपके अंदर किसी कष्ट को देखने को मिल सकता है, किसी कष्ट के सामना करने का संकेत है आक के फूल को देखना। वहीं यदि दोस्तों एक बीमार व्यक्ति जो कि पहले से ही बीमारियों से जूझ रहा है, और यदि वह देखता है आक या मदार के पौधे को सपने में, तो यह भी अच्छा संकेत नहीं है। यह बताता है कि ऐसा सपना देखने वाले के जीवन में या उसके आसपास या परिजनों में जो कि पहले से बीमार हैं, उनको और अधिक कष्ट या और अधिक बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। वहीं यदि दोस्तों ऑफिस या दुकान या जो भी व्यावसायिक परिसर है उसके आसपास सपने में इस तरह का पौधा या पेड़ देखते हैं आक का, तो यह भी अच्छा संकेत नहीं है। यह किसी नुकसान होने की ओर इशारा करता है। वहीं यदि दोस्तों आक या मदार के फूल को भगवान को अर्पित करना या चढ़ाना, यह संकेत देता है कि आपकी मनोकामना पूर्ण होने वाली है और आपकी इच्छा आपके अनुसार उसमें सफलता मिलने का संकेत है। तो भगवान को अर्पित करना आक या मदार का फूल अच्छा संकेत है। वहीं यदि दोस्तों सफ़र करते हुए या रास्ते में जाते हुए आपको कहीं मदार या आक या अकौवे का पौधा दिखता है, तो यह भी अच्छा नहीं है संकेत। यह बताता है कि आपको आपकी यात्रा में कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। वहीं यदि दोस्तों देखते हैं सपने में घर में या घर के आसपास आक या मदार का पौधा, तो यह भी अच्छा संकेत नहीं है। यह बताता है कि
आपके घर में या आपके परिजनों पर किसी तरह का संकट या कष्ट या किसी तरह की शारीरिक पीड़ा आ सकती है। वहीं यदि दोस्तों सपने में देखते हैं कि आग के पौधे को उखाड़ कर फेंकते हुए, तो यह सपना संकेत देता है कि आने वाले समय में आपके ऊपर कोई परेशानी तो आएगी, लेकिन आप में वो कैपेसिटी है, आप में वो क्षमता है कि आप उस बाधा को दूर करके उससे बाहर निकल पाएं। तो यह कहीं ना कहीं पॉजिटिव संकेत देता है। वहीं यदि दोस्तों आप देखते हैं सपने में आग या मदार के पौधे को सूखी हुई अवस्था में, तो यह सपना अच्छा संकेत देता है। यह बताता है कि आने वाले समय में आपके रास्ते से बाधाएं दूर होंगी और जो भी परेशानियां या कष्ट हैं वह समाप्त हो जाएंगे। वहीं यदि दोस्तों आप देखते हैं सपने में आग या मदार के पौधे को लगाते हुए, उसको जल देते हुए, पूजा करते हुए, तो यह अच्छा सपना नहीं है। यह आपकी सोच या आपकी मानसिक स्थिति को नकारात्मकता की तरफ ले जाने का संकेत है, जो कि अच्छा नहीं है। यदि ऐसा सपना देखा है तो आपको आपके कार्य और व्यवहार में विचार करके आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तो दोस्तों सपने में आग मदार या अकौवे के पौधे को इस तरह से विभिन्न अवस्थाओं में देखने के कुछ ये संकेत सामने आते हैं स्वप्न शास्त्र के अनुसार। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को आपका सहयोग अमूल्य और महत्वपूर्ण है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और खुश रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।